कल हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन एटम में। अब फर्स्ट सेल सेकंड सेल ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर, डिफरेंट परमिटेड एनर्जी लेवल पर क्या क्या एनर्जी होंगी इलेक्ट्रॉन की। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस जिसमें कि केवल एक ही प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ ये फर्स्ट सेल, फिर ये सेकेंड सेल, फिर ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, सेवन सेल और अप टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है केवल कहाँ? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपके केवल फर्स्ट सेल में नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू इंफिनिटी ये सारे सेल फ्री हैं, खाली पड़े हुए हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ, शेल है लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है तो कल हमने इसकी एनर्जी फाइंड की थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में आकर के रिवॉल्व करने लगे तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? सेकंड या से थर्ड में करने लगे तो कितनी एनर्जी होगी? तो कल आपने कैलकुलेट किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट। ऑर्बिट तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए वर्ड स्टेबल एनर्जी लेवल, स्टेबल एनर्जी लेवल। अब इसमें क्या है? ई एन इक्वल्स -13.6 बाय क्या था? एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां आप एन की वैल्यू चेंज कीजिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सारे एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल, इसे हम लिख रहे हैं कितना? E1। एन की वैल्यू आपने यहाँ 1 रखी तो कितना आंसर आया आपका? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड स्टेबल एनर्जी लेवल जिसे हमने लिखा E2 कितना आएगा? 13.6 को अब आपने किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। कितना आंसर आएगा? ये आंसर आएगा आपका -3.4 वोल्ट। 13.6 को 4 से डिवाइड करना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी कैलकुलेशंस आपने कभी केमिस्ट्री में भी की होगी, और इसी तरह से कैलकुलेट करते चले जाए हम। थर्ड एनर्जी लेवल पर E3 कितना निकल कर आएगा? -13.6 को 9 से आपने डिवाइड करना है, आंसर आने वाला है आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर फोर्थ एनर्जी लेवल पर E4, 13.6 को इस बार आपने किससे डिवाइड करना है? 16 से डिवाइड करना है, ये और कम हो जाएगी एनर्जी, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ एनर्जी लेवल पर E5, 13.6 को इस बार डिवाइड करना होगा 25 से, और छोटा आपका आंसर हो जाने वाला है 0.54, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक दो और निकाल लें आगे। सिक्स्थ एनर्जी लेवल पर E6 का मतलब 13.6 को आपने डिवाइड करना है इस बार 36 से, तो आपका आंसर आएगा -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद सेवेंथ एनर्जी लेवल पर, सेवेंथ एनर्जी लेवल पर आप फाइंड कर लीजिए, -13.6 को डिवाइड करना पड़ेगा आपने 49 से, तो आंसर और छोटा हो जाएगा,
माइनस 0 पॉइंट कितना बनेगा, ये बनेगा आपका -0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 28 भी लिख सकते हैं इसे। और इन्फिनिटी वाले पर, इन्फिनिटी का मतलब जब इलेक्ट्रॉन छोड़ करके चला गया, 13.6 को इन्फिनिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा निकल। यानी जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर चला गया, एटम आयनाइजेशन में, तब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बता सकते हो कि सबसे कम एनर्जी कहाँ है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर सबसे कम एनर्जी -13.6 वोल्ट, और सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ है, जब इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर चला गया, कितनी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब इसके इन्हीं सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, रिप्रेजेंट करेंगे इन्हें हम, और उस ग्राफ को बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। कैसे बनाना है ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है बिल्कुल, एग्जाम में कई बार बनाने के लिए आता है, और बना बनाया ग्राफ आता है और उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ के कई बार बनाने के लिए भी आता है, और कई बार बना हुआ आता है, और इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके वाई एक्सिस पर आपने कौन से लिए, क्या लिया, स्टेबल एनर्जी लेवल। पहला स्टेबल एनर्जी लेवल, जिसको आपके हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इक्वल्स 1, 0 से स्टार्ट नहीं होता ग्राफ, 1 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर कितनी एनर्जी है आपके इलेक्ट्रॉन की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेबल एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट, इसको एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। तो अगले वाला एनर्जी लेवल में कितना डिफरेंस आने वाला बताओ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अब आपकी यहां से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, एन इज इक्वल्स टू 2, इसमें कितनी एनर्जी है आपकी, ई टू कितना है, माइनस बोलो, माइनस बोलो कितना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला वाला देखिए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद 1.51 आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके बीच का कितना डिफरेंस है, 1 पॉइंट। तो अब इनके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा, ये तो था आपका 10 डिफरेंस, और ये कुल 2, 1.9। तो ये एन इक्वल्स 3, और ई 3 कितना है आपके लिए, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला लेवल ई 4, 0.85, इनके बीच का गैप कितना बना, 0.65। तो अब ये गैप, अगली लाइन का गैप और कम हो जाएगा, ये ई 4 कितना बना, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गैप कम होता जा रहा है। अगला वाला 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है, -0.54, इनके बीच का कितना रह गया गैप, 0.31। तो और भी पास लाइन बनेगी आपकी, ये आपका बना ई 5 कितना बना, -0.54, अगले वाले में गैप और भी कम रह गया, 5.4 से 3.8 कितना रह गया, 0.16। अगली लाइन और भी नजदीक बनती चली आनी है, ये कितना बनेगा, E6 इक्वल्स
-0.3, नहीं लिखा तो जाएगा, यही जो एनर्जी है गैप कम हो जाएगा इसके बीच का। और अगला मैं बना नहीं था, और उसके बाद सीधे हम इंफिनिटी वाला बनाते हैं, तो इंफिनिटी वाले के बीच कितना गैप होगा, बेस यानी जो आपका कौन सा है, ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से कितना जाएगा, -13.6 से 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से कितना गैप बना इसका, 13। तो थोड़ा सा यहाँ ऊपर हम बना देते हैं, ये बन गया आपका ई इन्फिनिटी इक्वल्स 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एन इज इक्वल्स टू 3 था, तो इसके ऊपर एन इक्वल्स 4, फिर 5, फिर 6, और ये एन इक्वल्स इन्फिनिटी। ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। केवल और केवल हाइड्रोजन एटम का है ये, और किसी का नहीं है। हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन में भी कितने सारे स्टेबल एनर्जी लेवल्स है। ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एन इक्वल्स 1 स्टेबल एनर्जी लेवल पर। इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन को सूटेबल एनर्जी मिल जाए, तो वो एनर्जी को गेन करके यहाँ एन इक्वल्स 2 पर, या एन इक्वल्स 3 पर, या एन इक्वल्स 5 पर कहीं भी पहुंच सकता है। बनाइए इस डायग्राम को, इसे आप यहाँ सकते हैं। ये आपका कितना है, ये एन इक्वल्स 1 है। कितनी एनर्जी है इस एन इक्वल्स 1 पर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एन इक्वल्स 2 है, कितनी एनर्जी है इस पर, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं लिख रहा मैं। और एन इक्वल्स 3 है, 3 पर कितनी एनर्जी है, -1.51। एन इक्वल्स 4, 4 पर कितनी एनर्जी है, -0.85। एन इक्वल्स 5 पर कितनी एनर्जी है, एन इक्वल्स 5 पर एनर्जी है -0.54। एन इक्वल 6 पर कितनी एनर्जी है, -0.38। एन इक्वल 7 पर कितनी एनर्जी है, -0.27। और फिर यहां इससे दूर बना दीजिए एक डॉट 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 डॉट, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया इंफिनिटी, यहां एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से भी डायग्राम बनाया जा सकता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है ऐसा डायग्राम बना हुआ। कई बार आपके सामने न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, जिसमें कहा जाता है एनर्जी ऑफ एटम, एनर्जी ऑफ एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, इसलिए किसी भी स्टेबल एनर्जी लेवल पर जो भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वही एनर्जी कही जाती है एटम की, क्योंकि एकमात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो लिख लीजिए इसे नोट, इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखिए, इन एनी स्टेबल एनर्जी लेवल, एट एनी स्टेबल एनर्जी लेवल इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बल्कि इसको पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट 1, नंबर 2 पॉइंट आप लिखिए, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मिनिमम इट्स ग्राउंड स्टेट। कितनी है ये, इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम, किट में लिखिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इट्स आयनाइज्ड स्टेट। अगर किसी हाइड्रोजन एटम को आपने आयनाइज करना है, तो क्या करना होगा, हाइड्रोजन एटम है, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, उसे आपने आयनाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी, जो -13.6 में जुड़ करके जीरो कर दे एनर्जी को, आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ अ हाइड्रोजन एटम, इफ एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, इफ एन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम इट एंड इट विल बी आयनाइज्ड। इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम इट एंड इट विल बी आयनाइज्ड। हेडिंग डाल दीजिए, एमिशन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम।